ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति का उद्बोधन हम सभी को शांति से भरपूर बनाता है, परमपिता परमात्मा की याद दिलाता है, किस धाम से आए हैं, कहाँ वापस जाना है, किसके हैं, क्या करना है। ये सब हमारे जीवन में जो भी विशेष हमारा लक्ष्य है, आत्मा का लक्ष्य है, शांति की तरफ जाना, तो ये लक्ष्य हमें प्राप्ति कराने के लिए ये महामंत्र है। ये ओम शांति का महामंत्र हमको दुख और अशांति से दूर करके उस परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। भवन के आसपास रह रहे सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, आए और इस कार्यक्रम का, विश्वव्यापी कार्यक्रम का लाभ उठाएं। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में हमारे बीच में शिकोहाबाद सेवा केंद्र से सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन आपसे कुछ इसके भवन के विषय में, कुछ मॉरल वैल्यूज़, नैतिक दैवी गुण, कुछ ईश्वरीय बातों को अपने जीवन में आत्मसात हम कैसे करें, इन विशेष बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगी हमारी पूनम बहन। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज बहुत शुभ दिन है। आज हम सभी यहाँ पर जगह जगह से आके एकत्रित हुए हैं, किस फंक्शन में, ये जो दामोदर नगर है यहाँ पर बाबा का एक नया सेवा केंद्र बना है, इसके उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अच्छा लग रहा है सभी को यहाँ बैठ के। तो हमें यही शुभ भावना, यही शुभकामना करनी है कि जो भी आत्माएं इस भवन में आएं, यहाँ से ईश्वरीय वरदानों से, शक्तियों से अपने को भरपूर करके जाएं। ऐसी शुभ आशा, शुभ कामना हम सभी करते हैं। और जो परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं, आज विशेष उनका आवाहन करेंगे और अनुभव करेंगे कि इस भवन पर उनकी छत्र छाया अभी भी है और सदा रहेगी, और जो भी आत्माएं आएं इसका लाभ लें और अपने जीवन को बहुत उन्नतशील बनाएं, ईश्वरीय शिक्षाओं से भरपूर करें। तो 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। अपने मन को सभी विचारों से शांत करेंगे, सिर्फ एक संकल्प बुद्धि में लाएंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने ध्यान को बाह्य जगत से समेट कर मन बुद्धि को स्थिर करेंगे, महसूस करें भ्रकुटी के मध्य एक सितारा चमक रहा है। उस सितारे से सफेद किरणें
निकल रही हैं। और वो किरणें निकल कर चारों तरफ फैल रही हैं। और उनका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा इन किरणों को फैला रही हूँ। मेरे आसपास का वातावरण शांत सुखमय होता जा रहा है। मैं आत्मा उस परम शक्ति सुप्रीम पावर की संतान हूँ।
इन ईश्वरीय किरणों को अपने अंदर समाते हुए बहुत भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। अभी वापस अपने कर्म क्षेत्र पर लौट आएंगे और इन्हीं शक्तियों और किरणों से अन्य आत्माओं को भी लाभान्वित करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ वापस आ जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सभी लोग रोज रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और उन्हें अपने जितनी भी बौद्धिक क्षमता है उस अनुसार समझने की कोशिश करते हैं और फिर समझ के उस चीज़ को अपने जीवन में लाते हैं। तो सभी लोग मुरली सुनते हैं, कितने लोग मुरली सुनते हैं, हाथ उठाएं। सभी सुनने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा की जो मुरलियाँ होती हैं तो उसमें कौन सी खास बात बाबा रोज ही उस पे फोकस करते हैं, कौन सी है, कौन सी है वो जिस पे बाबा रोज फोकस करते हैं? हाँ, इस बात पे रोज फोकस करते हैं कि आप स्वयं को पहचानो। तो क्या अभी तक हमने स्वयं को ठीक से नहीं पहचाना है? इस बात का क्या मतलब हुआ? यही हुआ ना कि रोज रोज जो फोकस किया जा रहा है कि आप स्वयं को जानिए। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप आत्मा हैं? तो रोज इस चीज को समझिए। हर मुरली में यही बात दोहराई जाती है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो क्या अभी समझ नहीं पाए हैं? क्या समझते हैं आप लोग? आपका मन क्या कहता है? अभी हम समझ नहीं पाए हैं। जिस हिसाब से, जिस लेवल से भगवान हमें समझाना चाह रहा है, क्या उस लेवल तक हम समझ गए? समझ गए? कहीं ना कहीं अभी वो लेवल हमारा नीचे है, अभी ऊपर नहीं गया है। जिस क्षण ऊपर चला जाएगा उस क्षण भगवान हमें दूसरी बात पे फोकस करेगा। और अभी उनका सारा फोकस किस बात पे है? स्वयं को जानिए। इसका मतलब हम स्वयं पर ध्यान अभी कम दे रहे हैं। तो जब हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे तो ध्यान किस पे दे रहे? जब हम स्वयं पर ध्यान नहीं दे रहे तो दे किस पे रहे? शरीर को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, अक्सर हमारा फोकस किस पे जाता है? ये क्या कर रही है, आप पड़ोसी क्या कर रहे हैं, सामने वाले क्या कर रहे हैं, ये दूसरों का फोकस ज्यादा रहता है ना, वो सामने दिख रहे हैं। और अपने पे फोकस कम रहता है, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करें जो मेरे में ऐसा मेरे प्रति फोकस आए और जो परमात्मा हमसे करवाना चाह रहे हैं वो हम कर लें? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन। और क्या करना पड़ेगा? स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा। देखिए, कुछ तो उपाय हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना पड़ेगा ना।
अच्छा और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? आपको पता है सारा कुछ जो भी हमारे जीवन में या आसपास जो कुछ भी होता है वो सब कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। तो ठीक कहाँ करना है? कंप्यूटर देखा है ना, उसमें क्या करते हैं, जो हम इनपुट करते हैं वही आउटपुट आता है। तो ये मनुष्य का ब्रेन भी क्या है, एज ए कंप्यूटर, इसमें जो इनपुट करेंगे क्या होगा, वही आउटपुट आएगा। तो इनपुट क्या है, हमारे विचार, हमारे थॉट। जैसे हम थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही हमारी जीवन बनती जाएगी। तो हमें फोकस कहाँ करना है, बीज क्या है, विचार। सबसे पहला विचार, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांति। फॉर द एग्जाम्पल, बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल भी बताया है कि पानी होता है ना, उसको आप बॉइल करें गर्म हो जाता है, वापस जमीन पे रख दें नॉर्मल हो जाता है, और वो नॉर्मल होने में कैसा होता है, ठंडा। आप फ्रिज में रख देंगे फ्रीज ही हो जाएगा, लेकिन वापस रख देंगे नॉर्मल वातावरण में ठंडा। तो उसका नेचुरल रूप कैसा है, ऐसे ही आत्मा है। आत्मा में जब पांच विकार नहीं होते हैं तो ये शांत है, और जब कोई ना कोई विकार इसके अंदर आ जाता है तो ये कैसी हो जाती है, तो अशांत हो जाती है, फिर इसका रूप बदल जाता है। तो सारा फोकस है हमारे विचारों का। कहते नहीं हम लोग, सभी लोग आज, हाँ, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर चलाते हैं। तो जब कंप्यूटर चलाते हैं तो चलाते चलाते अगर उसमें हमने एंटीवायरस ना डाला तो क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है और कंप्यूटर खराब हो जाता है। आपको पता है जब वायरस आ जाता है तो क्या होता है, फिर कंप्यूटर हमारी बात नहीं मानता। कैसी बात नहीं मानता, कई सारी फाइलें बना देगा, अपने आप से हैंग हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें करता है, वो हमारी बात नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो कहते भाई इसमें वायरस आ गया है। ऐसे ही हमारा भी दिमाग क्या है, एज ए कंप्यूटर। तो इसमें भी जब बाह्य रस आ जाता है, कौन सा रस इसमें चला जाता है, इसमें भी जब बाह्य रस आ जाता है, हम बाह्य रस की तरफ ज्यादा मुड़ जाते हैं, तो ये भी क्या करने लगता है, इसका भी साउंड चेंज होने लगता है। कभी कैसी ट्विन निकलती, कभी कैसी ट्विनिंग निकलती, तरह तरह के साउंड हो जाते ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो पांच विकार हैं, उनसे जब हम ग्रसित होते हैं तो आत्मा की साउंड चेंज हो जाती है ना, एक्टिंग भी चेंज हो जाती है। तो उस कंप्यूटर में वायरस आता है और इसमें आता है बाह्य रस, और बाह्य रस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अतेंद्रिय सुख यानी अपने अंदर की तरफ, जिसको बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी कहा गया, अंतर हाथ नहीं कहा गया, अंतर पांव नहीं कहा गया, अंतर मुखी कहा गया, क्योंकि मुख पे ही सारी कर्मेंद्रियां हैं। सारी कर्मेंद्रियां कहाँ हैं, फेस पे। तो हमें क्या करना है, उन कर्मेंद्रियों के आंतरिक सुख में जाना है। अभी क्या है, बाह्य सुख में है, और जब बाह्य सुख में जाते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है, लेकिन जब हम इंद्रियों के आंतरिक सुख में जाते हैं तो वो हमारे सुख का कारण बनता है। तो अब आप डिसाइड करें, आपको सुख चाहिए या क्या चाहिए। अतेंद्रिय सुख पूछना हो किससे पूछो जाके, कौन है गोप गोपियां, तो ये कहो ना हमसे पूछो,
ये क्यों नहीं कहते? आप पता नहीं गोप गोपियां कहाँ मिलेंगी, हम कहाँ पूछेंगे जाके? हम फलक से ये कहें ना, हमसे पूछो, इसका मतलब अभी तक थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हो जाती है ना ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा भी ना हो, उसकी ही भगवान रोज प्रैक्टिस कराता है। कराता है नहीं कराता है? ये मुरली क्या है? यही प्रैक्टिस है। हमको बताते हैं, गाइडलाइन देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, सारी बात समझाते रहते हैं, रोज़ रोज़ नई नई तरीके से समझाते हैं। उस दिन बताया फांसी पे लटके रहो, कौन सी फांसी? याद की फांसी पे लटके रहो। किसी व्यक्ति को फांसी लगा दो तो उसका ऐसे मुंह हो जाता है ना थोड़ा सा, तो ऐसे ही बाबा कह रहे आपका भी मुंह कैसे होना चाहिए, थोड़ा ऊपर को ऐसे उधर। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके से हमारा फोकस खिंचवाते हैं कि कैसे आप उसे याद करो, अपने को वरदानों से शक्तियों से कैसे भरो, ये बाहरी बातों को छोड़ो, ये बाह्य रस छोड़ दो। जितना ये बाह्य रस छोड़ते जाएंगे उतना ही आंतरिक रस मिलता जाएगा। अभी हम आत्माओं का टेस्ट क्या पड़ा हुआ है? बाह्य रस का वही पड़ा है ना, थोड़ा खाने का, थोड़ा देखने का, थोड़ा घूमने फिरने का, तरह तरह के रस हैं, हैं या नहीं? अब उन्हीं रसों में हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं, और भगवान क्या करते हैं, वो बाह्य रस से निकाल के हमें अंदर वाले रस में ले जाते हैं। अंदर का रस कैसा है? मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। और बाहर रस कैसा है? मेरे सब कोई। तो इसलिए परमात्मा जो है हमारा सच्चा टीचर है। दुनिया में टीचर होते हैं ना, वो हमें पढ़ाते हैं, तो हम अपनी अर्निंग करने लग जाते हैं, कैसे कमाएं खाएं क्या करें वो सीखते हैं। लेकिन जो परमात्मा हमारा टीचर बनता है, वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हम अपने जीवन में क्या क्या लाते हैं, सुख शांति कमाते हैं। और सुख शांति ऐसी चीज है पैसे वाले भी नहीं कमा पाते, सही है ना, सत्य है ना? सत्य है। जितने भी पैसे वाले हैं आपने देखा होगा, शुरू शुरू में तो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि अर्निंग हो रही है, लेकिन धीरे 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 वो उस चक्रव्यूह में इतने कसके जकड़ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, फिर उनकी सुख शांति जाने लगती है। जैसे जैसे वो चक्रव्यूह में फंसते हैं, उनकी सुख शांति क्या होती, गायब होती है। अब सुख शांति गायब होगी फिर वो क्या कमाएंगे? क्या कमाएंगे फिर? फिर उन्हें क्या चाहिए? फिर वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना बिजी हो गया हूँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है, मन बहुत अशांत है, ये है वो है ना? फिर उनका यही वक्तव्य रहता है, फिर उन्हें क्या चाहिए? फिर शांति चाहिए या नहीं चाहिए? तो परमात्मा ऐसा टीचर है जो हमें ये बताता है कि आप सुख शांति कैसे कमाओ, जिसके लिए लोग मंदिर मस्जिद क्या क्या नहीं करते। अभी तो हंसने के कितने तरीके निकाल रखे हैं, लाफिंग क्लब बना रखे हैं, कई शो चला रहे हैं कि लोग उन्हें देखें उन्हें सुने और थोड़ा उनका हंसी का लेवल हैप्पीनेस बढ़े। इसके लिए कितने तरह तरह के उपाय करते हैं। तो हम कितनी कीमती चीज अर्न कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं, ऐसा फील होता है? इसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर ज्यादा टेंशन हो जाए और कोई डिप्रेशन में चला जाए, टेंशन में हो जाए, फिर कितने रुपए खर्च होते हैं उसको वापस नॉर्मल करने में, होते या नहीं होते? होते हैं ना। तो इन बातों को कभी गहराई से समझा, इस पे कभी फोकस गया, समझा नहीं समझा? तो पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारी सुख शांति।
जिसके पीछे पैसे वाले भी पड़े हैं। आपने कईयों का सुना होगा, अधिकतर जो ये इंटरनेट में काम करते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा काम करते हैं, जो इस दुनिया में ज़्यादा होते हैं, उनका दिमाग ऐसे शून्य सा हो जाता है एक कंडीशन पे आके, कि फिर वो फीलिंग नहीं आती सुख की, दुख की, क्या है कैसा है, उस अवस्था में वो चले जाते हैं। इसके लिए ही परमात्मा ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं कि आप अपनी अवस्था मेंटेन रखो। और वो हमारी जो बाबा की मुरली है, जो ज्ञान है, जो समझ है, वो हमारे अंदर जब पैदा होती है तभी हम कर पाते हैं। ऐसा फील किया है आपने? अभी संडे को मुरली बाबा ने चलाई थी स्नेह के ऊपर, सभी ने सुनी? उसमें क्या खास बात बताई बाबा ने? हाँ, स्नेह हमें परमात्म कार्य के सहयोगी बनाता है, और सहयोगी जब हम बन जाते हैं तो सहज योगी अपने आप बन जाते हैं। कोई भी चीज की सफलता का आधार है स्नेह। बाबा ने कहा प्रोग्राम होता है तो हर एक की सेवा, हर एक का सहयोग इम्पॉर्टेंट रखता है, चाहे वो खाना बनाने वाले, चाहे झाड़ू लगाने वाले, चाहे खाना परसने वाले, चाहे स्टेज सजाने वाले, चाहे भाषण करने वाले, सब मिलके ही प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। अगर परमात्मा से स्नेह ना हो तो ये सहयोग कैसे मिले? और जब ये सहयोग ना मिले तो सफलता भी नहीं मिले। तो सफलता का आधार है ये ईश्वरीय स्नेह, और ईश्वरीय स्नेह जब हो जाता है तो हम सहज योगी अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि हमें याद आता है किसका है, बाबा का है। क्या कर रहे हैं? बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो बुद्धि में क्या रहता है? बाबा रहता है। इस तरह से पूरी मुरली बाबा ने स्नेह के ऊपर चलाई, और खास बात बताई कि जो स्नेह होता है, जो लव है, परमात्मा लव है, उसमें ला समाया हुआ है। कैसे? क्योंकि जो परमात्मा का प्यार है, आत्मिक स्नेह है, परमात्म स्नेह है, वो जो भी आत्मा के माध्यम से मिलता है वो मर्यादित ही होता है, और जब मर्यादित होता है तो आत्मा के अंदर वो संस्कार ला के अपने आप पड़ जाते हैं, वो समझ आती जाती है। तो ये ईश्वरीय स्नेह हमें बहुत क्या से क्या बना देता है, बहुत परिवर्तन कर देता है। आप सभी अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। पहला परिवर्तन हमारे उठने का तरीका। हम सुबह कितने बजे उठते थे, फिर कितने बजे नहाते थे, फिर कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते थे, फिर कितने बजे लंच, फिर कितने बजे डिनर, सारा कुछ डिस्टर्बेंस था। अभी क्या है, व्यवस्थित हुआ या नहीं हुआ? परिवर्तन आया जीवन में? हर बात में इरिटेट हो जाते थे, अभी उस ज्ञान से क्या है, थोड़ी समझ मिली है, तो अब थोड़ा थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर याद आ जाता है कि बाबा ने क्या कहा, तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो जब यही बाबा का ज्ञान स्नेह के साथ दूसरों को देंगे तो उनका जीवन भी बदलेगा ना, बदलेगा। तो इस तरह से इस ईश्वरीय ज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण करना है, और बाबा की शिक्षाओं को जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो बाबा ने बताया यह ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम नर से नारायण बन जाते हैं। ठीक है, तो कौन से परिवर्तन पे ध्यान देना है? विचारों का परिवर्तन, तभी आत्मा वाला पार्ट हमें पक्का होगा, क्योंकि सारा खेल यहाँ से है। आएंगे, ओम शांति।